सलीम साहब आप कारोबार करके मुझे बता दें, आप लोग मुनाफ़त क्यों करते हैं टीवी, क्यों नहीं कौम को सच बताते कि इस मुल्क में कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता? आप क्यों नहीं बताते लोगों को? आप लोगों को आप गुमराह करते हैं आप चैनल पर बैठ के लोगों को। मीडिया और एंकर और इंक्लूडिंग आप सब लोग मेरे खिलाफ थे। आप लोग उस वक्त मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता आए जब आपको पता लगा कि मैं सच बोल रहा हूं। आप लोगों ने तो मेरे पुतले जलाए, आप लोगों ने तो मेरे ऊपर गाने बनाए, और आप लोग मेरे सामने बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं और आप कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं बड़ा गुनाहगार हूं, गुनाहगार तरीन लोगों में हूं, अल्लाह मुझे माफ करें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैंने कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं दी है, तो क्या मैं झूठ बोलता हूं? आपने मेरी बातों कारोबार नहीं किया, आपने आके टीवी पर घंटा प्रोग्राम किया और 10-15 लाख रुपया जियो से लेके घर चले गए। आप मुझे 10-15 लाख से को कारोबार करके बताएं ना, एक किराने की दुकान करके बताएं, और 6 महीने बाद मुझे मैं पूछूंगा आपसे अगर आपने कहा कि जी रिश्वत भी नहीं होती और मैं झूठ भी नहीं बोलता। चले जी, अब एक जवाब आप ये मजीद आप घर से निकले हैं और एंकर बन गए हैं और आपने 2 रुपए का कारोबार नहीं किया और आप हमें यहाँ लेक्चर दे रहे हैं यहाँ? नहीं, मैंने दो अपनी जवानी में कारोबार की कोशिश की, नाकाम हो गया। नाकाम हो गया, धक्के का आपके पास पैसा नहीं था रिश्वत देने के लिए, इसलिए नाकाम हो गए।